सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं, कई महंगे प्रोडक्ट भी खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है शायद ये ठीक हो, शायद ये ठीक हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसके बारे में हम नहीं जानते। हो सकता है आपके आसपास हो सकता है आप ही के घर में हो, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। जो ईश्वर ने हमें, कुदरत ने हमें एक उपहार सा दिया है, उसे भी यूज़ करके देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आज हम बनाते हैं होममेड एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो कि आप आराम से बना सकेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये एक फूलों से बनती है, हमारे यहाँ इसे शंख पुष्प के नाम से कहा जाता है। इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, अपराजिता भी कहते हैं। आपके यहाँ इस फूल को किस नाम से पुकारा जाता है मुझे जरूर बताइए। ब्लू कलर का ये फूल, लंबी सी बेल में ये बहुत सारे फूल होते हैं, ग्रीन कलर की डंडी के साथ होते हैं। साथ में इनके फलियाँ भी निकलती हैं जिनमें बीज होते हैं। इन बीजों को यदि हम गमलों में डाल देते हैं तो फिर से एक लंबी बेल उगाती है। बहुत ही बढ़िया, जितना ये सुंदर है दिखने में उतना ही आपको ये सुंदर और कोमल बना सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, ये हमारे फेस पर जो रिंकल्स, फाइन लाइंस होती हैं उन्हें बहुत कम करता है। रात को यदि फेस वॉश करने के बाद इस क्रीम को आप लगाएंगे तो आप कुछ ही दिनों में बहुत ही स्किन को सॉफ्ट, सुंदर, मुलायम और रिंकल फ्री पाएंगे। मैंने यहाँ पर बहुत थोड़े से लिए, 8-10 फूल ले लिए हैं। यही ये बीज वाली फलियाँ होती हैं। अब इन पौधों के जो नीचे वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट, उसे हम हटा देते हैं और एक साफ जार के अंदर मैं इन फूलों को कलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप जो कमाल देखेंगे ना, वो देखते ही रह जाएंगे। इसका जार का ढक्कन बंद कीजिए, कुछ ही सेकंडों में आप इसका कमाल देखिए। गर्म पानी जाते ही उन फूलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। फूलों में जो भी कलर था, जो कुदरत ने अपने आप में उसे दिया था, वो धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। ये देखिए, आपने देखा धीरे धीरे पूरा पानी का जो कलर है पूरा ब्लू हो गया है। अब आपके पास इसका बढ़िया सा कलर आ गया है। आप चाहें तो 10-15 मिनट ही बाद आप इसमें काम करना शुरू कर दीजिए। आपको अभी टाइम नहीं है तो इस जार को आप फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे भी इसके ऊपर क्रीम बना सकते हैं। अब बारी आती है हमें इसको पीसना है। अब क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी स्किन के लिए, तो स्किन में नुकसान ना हो तो पहला काम आपको करना होगा, जिस मिक्सी के जार में आप पीसने जा रहे हैं उस मिक्सी के जार को परफेक्ट साफ कर लीजिए। उसके बाद पानी समेत आप इस मिक्सी के जार में इस फूलों को पीस लीजिए, जिससे कलर और इन फूलों में जो भी गुणकारी शक्तियां हैं, जो चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सारी आपको मिल पाएँ। पीसने के बाद आपको क्या करना होगा, एक पतले कपड़े में आप इसे छान लीजिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा कलर है। अभी क्योंकि मैंने फूलों को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये बेल मेरे पास नहीं थी, मैंने आसपास कहीं से ली है, तो आपके पास अगर है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जैसे ज़्यादा गाढ़ा कलर आए, डार्क कलर आए। अब यहाँ ले रही हूँ मैं कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, जो आपके आसपास मिलता है। क्रीम बनाने के लिए मैं शुरू कर रही हूँ। एक कटोरी ले लिए, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें मैंने डाल दिया आधा ये फूलों का पानी। बाकी फूलों का जो रस है, जो पानी है, वो मैं रख देती हूँ एक जार में। इसको भी आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। कई बार हम तैयार होके कहीं जाते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए, इस टोनर को आप यूज़ कर सकते हो। कॉटन से आप पूरे फेस को साफ करके फिर सो सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। हमें डबल बाउलर में इस मिश्रण वाली कटोरी को रखना होगा। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर जो है इसमें इस क्रीम, इस पानी को गाढ़ा कर देगा। धीरे धीरे चलाते रहिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, मैंने कोई कलर इसके अंदर ऐड नहीं किया है। 2-3 मिनट लगेंगे, ये बहुत ही बढ़िया एक पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखिए, एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण सा तैयार हो गया, एक जेल सा लग रहा है। ये देखिए,
बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसे निकाल लीजिए, गैस बंद कर दीजिए। अब हम क्रीम बनाने के लिए इसमें और क्या चीज़ें यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। एक बोल लिया है जिसमें मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है, ये देखिए करीब करीब मैंने 2 चम्मच ले लिया है। अब इसमें 3 कैप्सूल विटामिन ई के डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो आसपास मिल सकती हैं और सारी हमारी स्किन के लिए बेस्ट होती हैं। 3 कैप्सूल कम से कम इसमें डाल दीजिए। इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, एलोवेरा के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अब इस दोनों को हमने मिला लिया, एलोवेरा और कैप्सूल। अब इसमें कोई एक चीज़ हमें डालनी है, या तो आप डाल दीजिए एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर अगर बाय चांस आपके पास एलमंड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ 100% मिलता है। अब धीरे धीरे इसी मिश्रण में जो हमने बना के रखा है फूलों का डालते जाइए। यहाँ देखिए कितना डार्क कलर है, धीरे धीरे जाकर ये लाइट सा होता चला जा। ये मैंने पूरा फूलों का मिश्रण इसके अंदर डाल दिया है, एलोवेरा के साथ मिलकर ये नेचुरल कलर में आ गया है। अब बारी आती है इसमें हम कौन सा ऑयल डालें। मैंने यहाँ पर अभी एलमंड ऑयल यूज़ किया है, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। इसके भी फायदे बहुत ज़्यादा हैं, आप सभी जानते हैं। नारियल का तेल या एलमंड ऑयल, जो भी आप डालना पसंद करें आप इसमें डाल दीजिए। अब ये 15 से 20 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिरप है, जो पानी है, जो रस है फूलों का, उसे भी आप मिला सकते हैं अगर आपका मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा है। इसे आप फ्रिज में रखिए और रोज़ नाइट को आप फेस को वॉश करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए आप इसमें पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, बहुत ही अमेजिंग सी ये क्रीम तैयार है। अब आप चाहें तो इसे 2 चीज़ों में रखें, मतलब एक सिंपल से जार में बंद करके रख दें और एक ऐसे जार में रखें जो आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते ये क्रीम आपने बनाई है। बहुत ही फ़ायदों वाली क्रीम और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाली क्रीम और बिना कोई बहुत ज़्यादा खर्चे वाली, बहुत ही अच्छी है ये। सारी चीज़ें आपके सामने यूज़ किए और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्किन को फ़ायदे देने वाली। तो इस तरीके से क्रीम बनकर तैयार हुई है। 15-20 दिन तक आप इन्हें यूज़ कीजिए, फिर से आप बनाइए और 2-3 महीने में आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप खुद कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इस चैनल पर अगर बच्चों नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं।